सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को अपनी लेटेस्ट सेटिंग्स, सेंसी और कंट्रोल्स दिखाने वाला हूँ। और हाँ गाइज, अभी मैंने एक हफ्ते पहले अपनी सेंसी में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और हमेशा की तरह सोलो उसी स्क्वाड के बड़े ही खतरनाक क्लचेज होने वाले, वो भी हाई टियर लॉबी के। तो चलो अभी फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, अभी मुझे यहाँ पे बंदों की गाड़ी स्पॉट होती है तो मैं इधर आके अपनी बगी लगाता हूँ, तब ये लोग मेरे पे रश कर देते हैं। और भाई अभी देखना यहाँ पे गलत सीन होने वाला है। भाई क्या मार रहे है भाई। एंड भाई अगर तुम अपना गेम प्ले इंप्रूव करना चाहते हो ना तो वीडियो के एंडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है, तो वीडियो की एंडिंग मिस मत करना। भाई ये लौंडा तो मुझे मुक्के मार के कंटेंट बनाना चाह रहा था। खैर अभी बचता है इनका लास्ट बंदा जो कि एक स्ट्रीमर था। अब मैं इन लोगों की महंगी गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव करने की सोच रहा था, पर भाई ऊपर हिल पे भी एक टीम आ जाती है तो सीधा रश कर देता हूं इन पे। अभी थोड़ा कवर में जाता हूं यहां पे। अब यहां पे मैंने तीन नॉक कर दिए थे, पर जब तक मैं हील करता हूं ना एक बंदा यहां पे रिवाइव हो जाता है, तो एक नेड करता हूं और उसके बाद सीधा रश करता है बंदों पे। तो अभी चलते हैं अपनी अगली फाइट पे। अभी फटाफट से हील मारता हूं यहां पे। अब बचता है इन लोगों का लास्ट बंदा, तो फटाफट से गाड़ी उठा के सीधा रश मार देते हैं लास्ट वाले पे भी। अब यहां पे इनका एक बंदा रिवाइव होके भेड़िया बन के भाग लेता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई रिकॉल खत्म हो गया भाई क्यों भागा फिर भी, मतलब एक टाइम वो करता था यार, मतलब अपने टीममेट के लिए लोग जान दे दिया करते थे गेम में, पर भाई आजकल तो बंदे रिवाइव देने वाले को ही छोड़ के भाग जाते हैं। अभी इसके टीममेट आते हैं बचाने के लिए। अभी एक और गाड़ी आती है यहां पे। और अब पीछा करते हैं इसका। तो अभी चलते हैं हमने अगले क्लच पे। तो मैं यहां पे लूट वगैरह कर रहा था पर तभी मुझे गाड़ी का साउंड आता है यहां पे। अब इनके दो बंदे नॉक कर ही चुका था, मैं सोचता हूं कि भाई लेफ्ट से फ्लैंक मार देता हूं इन पे, पर भाई अब यहां पे मैं स्पॉट हो गया था तो वापस से नॉक निकालते हैं। अभी एक बंदा वापस से नॉक कर देता हूं, पर भाई अभी यहां पे जब रश करने जाऊंगा ना मेरे साथ गलत सीन हो जाएगा, अभी देखना। सीधा रश कर देता हूं। Yeah.
अब एक बंदा यहाँ नेट से भी फट जाता है तो बचता है अब इनका लास्ट बंदा। और इसी के साथ इन बंदों का भी यहाँ पे खेल खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे फटाफट से हील लगाता हूँ, इतने में बंदा रश कर देता है मेरे पे। तो पहले तो लेफ्ट वाले को देखते हैं। लेफ्ट बंदे पे भी सेल्फ रिवाइव था। अब गाइस यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ बहुत ही तगड़ी चीज। अभी सामने मुझे ग्लिच से एक बंदा स्पॉट हुआ, मुझे नहीं पता है कंटेनर के अंदर ग्लिच से कैसे दिख जा रहा है मुझे। खैर अभी यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि भाई अकेला बंदा होगा, जाके सीधा नेड से फोड़ दूंगा इसको मैं, तो सीधा रश कर देता हूँ। पर अभी देखना भाई सरप्राइज। एक बंदे को फोड़ देता हूँ, एक बंदे का और साउंड आता है तो जाता हूँ इसको मारने के लिए। पर भाई भाई साहब मतलब सीरियसली एक कंटेनर के अंदर चार बंदे कैंप करके बैठे हुए थे और भाई इस ग्लिच ने ना इनकी कैंपिंग खराब कर दी। खैर अभी यहाँ पे मैं आता हूँ अपार्टमेंट में और यहाँ पर मेरे ऊपर एक स्क्वाड रश कर देती है। और भाई ग्रोसा और एमजी लेके रश कर रहे हैं लोग, तो खैर फटाफट से इनको मार के इनकी पेटी लूटता हूँ, तभी इनकी पूरी स्क्वाड आ जाती है। इनके बाकी के बंदे नीचे अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए जाते हैं। अभी फटाफट से पीछे जाता हूँ हील करने के लिए और जैसे ही मेरी हीलिंग कंप्लीट होती है सीधा एक नेड पिन करके इनके मुंह पे फेंकता हूँ। और इसी के साथ इन बंदों को भी यहाँ पे खेल खत्म कर देता हूँ। अभी बाहर एक बंदा था, अब जैसे इन तीनों को नॉक करता हूँ उनका लास्ट बंदा चले जाता है पीछे वाले रूम में और वहां से घूम के आने की कोशिश करता है वो, तो सीधा रश कर देते हैं। और भाई ये है गेम के सस्ते नशे, मतलब बंदे के मुंह पे गया मैं और वहां पे जाते ही मेरा गेम क्रैश हो गया, विदाउट एनी रीजन गेम बंद हो गया भाई। खैर अब मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, तुम लोग मेरी भावनाओं को समझ गए होगे। खैर अभी वहां पे तो मेरा गेम बंद हो गया था, मैं मर जाता हूँ। अब रिकॉल होने के बाद मैं कूदता हूँ याचना में लूट करने के लिए, पर तभी यहां पर मेरे ऊपर एक स्क्वाड रश कर देती है तो अब इनको पकड़ते हैं। एंड गाइस अगर आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा हो ना तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 30,000 लाइक्स का। अब जिस बंदे को मारता हूं उसके टीममेट्स मेरे ऊपर रश कर देते हैं, तो यहां पे अंदर नेड मोली आ रहे थे तो बाहर जाता हूं हील करने के लिए। और भाई कमेंट करके बताना कि ये रिफ्लेक्स तुम लोगों को कैसा लगा। अभी बसता है इनका लास्ट बंदा। और इसी के साथ ड्रॉप शॉट मार के लास्ट वाली का भी खेल खत्म कर देता हूं। अभी मुझे सामने से बंदों की फायरिंग की साउंड आ रही थी।
और भाई ये बंदे तो पक्का रिपोर्ट करके गए होंगे मुझे। खैर अभी पीछे से एक और गाड़ी आ जाती है। और भाई अभी ये वाला 1v3 देखना तुम। भाई पहले वालों को तो पता नहीं पर इन्होंने जरूर रिपोर्ट किया होगा। खैर अभी सामने थी मेरी एक स्क्वाड आगे। और भाई कमेंट करके बताने कि कौन कौन इस अपडेट के जाने का वेट कर रहा है। खैर सामने एक स्क्वाड थी। अभी ऊपर से मुझे एक ही बंदे का साउंड आ रहा था तो जाके रश मार देता हूँ। अब बचता है इन लोगों का लास्ट बंदा तो नीचे जंप करके इसकी भी ले लेता हूँ। किल की बात कर रहा हूँ भाई, मतलब क्या डर्टी माइंड है रे तुम लोगों का। खैर अपनी अगली फाइट में चलते हैं। अरे जैसे ही इन दोनों को मारता हूँ इनका बंदा, मेरा मतलब इनकी बंदी आती है बदला लेने के लिए। दीदी सलमान भाई बनने की जगह यार रिकॉल पे चली आती। खैर सामने गाड़ी से दो बंदे जा रहे थे। अब मैं यहां से निकल ही रहा था पर तभी इसके टीममेट्स आ जाते हैं। और यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शिनोबी का हिट इफेक्ट ना ग्लेशियर से ज्यादा बेटर है। मतलब तुम लोगों की क्या राय है तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी मैं पोचिंग की मैं लूट कर रहा होता हूँ तभी यहाँ पे एक स्क्वाड आके मेरे पे रश मार देती है। अभी काफी लो हो चुका था, हील करने के लिए ऊपर जाता हूँ पर ये लोग नेड कर रहे थे तो नीचे कूदना पड़ता है। और भाई इनका एक बंदा पीछे चर्च से इन लोगों को कवर दे रहा है। अब जैसे इनको फिनिश करता हूँ ये लोग रिकॉल होकर वापस आ जाते हैं। अभी दूसरे को काफी लो कर दिया था, मुझे पता था ये हील करने के लिए पीछे भागेगा तो सीधा रश मार देता हूँ उस पर मैं। अभी एक एचपी हो गया था तो गाड़ी कवर में लगाता हूँ हील करने के लिए और तभी ये लोग मेरे पे यहाँ पे रश मार देते हैं। अब इन दोनों की तो पेटी बना देता हूँ, बाकी के दो बंदे आते हैं पेटी बनवाने के लिए। और भाई अभी एक बार ये सीन देखना तुम। बाकी के बंदे पावर यूज करके साइड वाले घर पे आ जाते हैं तो एक नेड पिन करता हूं और अब रश करते हैं लास्ट वाले पे। अभी कुछ देर पहले सामने से भी बंदों की फायरिंग की साउंड आ रही थी तो यहां पे पहले तो छत पे चढ़ता हूं। और भाई ये वाला बंदा काफी अच्छा खेल रहा था। अब यहां पे दो बंदे और आते हैं।
तो भाई अभी मैं तुम्हें अपनी सेटिंग सेंसी एंड कंट्रोल्स वगैरह सब दिखा देता हूँ। तो पहले अभी बेसिक कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे मेरे बेसिक कंट्रोल्स। एंड गाइस ये जो है ना मैंने अपने फाइव फिंगर कंट्रोल के हिसाब से एडजस्ट किए हुए हैं। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे क्लो के हिसाब से, मतलब तुम टू फिंगर खेलते हो, थ्री खेलते हो, फोर खेलते हो, फाइव खेलते हो, उसके हिसाब से मैं तुम्हें सिखाऊं कि भाई तुम्हें क्या बेसिक कंट्रोल्स वगैरह रखने चाहिए, तो मुझे बता देना। मैं सेकंड चैनल पे सेटिंग्स की पूरी सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें तुम लोगों को सिखा दूंगा मैं सब कुछ। ये मेरी एडवांस सेटिंग्स है, यहाँ पे तुम लोग एक एक चीज़ देख सकते हो। अभी चलते हैं अपने ग्राफिक्स और ऑडियो की तरफ। तो पहले मैं कलरफुल ग्राफिक्स रखता था, बट अभी के टाइम पे मैं सॉफ्ट रखता हूँ क्योंकि मैंने डिवाइस चेंज किया था। एंड उसके बाद मुझे, मतलब इस वाले डिवाइस में सॉफ्ट ही सही रखता है और लंबे टाइम तक खेलने में आँख में दर्द भी नहीं होता सॉफ्ट में। बाकी मज़ा तो कलरफुल पे खेलने में ही आता था। खैर यहाँ पे तो मेरी ऑडियो सेटिंग्स भी देख सकते हो, मैं हाई सेटिंग्स पे खेलता हूँ। तो अभी चलते हैं अपनी सेंसिटिविटी की तरफ। तो मैंने अभी एक हफ्ते पहले अपनी सेंसी बदली है। बदला क्या है, मैंने देखो लेंस वाली सेंसी बिल्कुल नहीं छेड़ी है, मैंने सिर्फ जायरोस्कोप वाली बदली है। अब जायरोस्कोप में मैंने क्या बदला है वो देखो। जो मेरा 3x और 4x का सेंसी था ना भाई स्प्रे वाला, वो वाला मैंने कम कर दिया है ताकि मेरा और भी ज़्यादा बेटर स्प्रे जाए। तो अभी इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिलहाल तो मुझे इंप्रूवमेंट दिखा है मेरे स्प्रेज में थोड़ा, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और ये रहे मेरे कंट्रोल्स। सेंसी कोड और कंट्रोल कोड तुम लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे दूंगा तो इंस्टा वाले एक्सपायर हो जाएंगे। और इंस्टाग्राम का लिंक तुम लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी गाइज ये तो सेटिंग सेंसी कंट्रोल वगैरह थे, मेन चीज़ होती है भाई गेम सेंस की। तो पहले मैं एक सीरीज लाया करता था जो कि भाई तुम लोगों को काफ़ी पसंद थी, हाउ टू क्लच एवरी टाइम सीरीज, जिसमें कि भाई मैं अपने क्लचेस को डिटेल में एक्सप्लेन करता था कि मैंने क्या डिसीजन कब क्यों लिया ताकि भाई तुम लोगों का गेम सेंस इंप्रूव हो सके। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उस सीरीज को वापस से कंटिन्यू करूं तो भाई मेरे को बता देना, सेकंड चैनल पे कंटिन्यू कर लूंगा मैं। और जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता भाई मैं किस सीरीज की बात कर रहा हूं, तो एंड स्क्रीन में यहां पे लिंक लगा दिया है भाई, तुम लोगों के सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, ये वाली वीडियो देख लेना। अगर पसंद आएगी तो वापस से इसी वीडियो पे आके कमेंट कर देना, सेकंड चैनल पे ये सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूं मैं अगर तुम लोग कहोगे तो। यही था आज की वीडियो के लिए, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।